गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षा और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ शो में रचना वैद्य और राजेश सतपुते आपकी मदद करने के लिए बने हुए हैं। अमित सेठ जुड़ेंगे और रुजित जैन भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के लिए। और आज बिग मार्केट वॉचेस में खास मेहमान हमारे साथ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO नीलेश शाह से होगी एक खास बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार जरा बाजार का हाल देख लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं इंडिया विक्स। एक बार लेकर आइए जरा इंडिया विक्स, और आज की हाईलाइट है इंडिया विक्स। इनफैक्ट इसको एक बार दोबारा फ्लैश करिए, अब 14% ऊपर इंडिया विक्स। ये कुछ देर पहले 10% ऊपर था, इसके ऊपर एक डिटेल्ड बातचीत भी हुई थी। शायद इसी का एक फैक्टर है कि थोड़ा लोगों में एकदम से थोड़ा सा एक फियर फैक्टर की वजह से शायद लोगों ने थोड़ी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी की, और उसकी वजह से ये एक इशू बना। लेकिन इंडिया विक्स अब इस समय करीब करीब 14% ऊपर। आज का बिग लूजर है अपोलो हॉस्पिटल्स। करीब करीब इंडेक्स की बात हो जहाँ तक 8.5% नीचे इंडिया अपोलो हॉस्पिटल्स, और उसके अलावा HCL टेक में भी 6% की बड़ी गिरावट। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक तो चीज़ और, नंबर्स के बाद IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी पनिशमेंट, करीब करीब 5.6% नीचे। RBL बैंक जहाँ नंबर्स ठीक ठाक लग रहे थे लेकिन हायर लेवल से वो भी स्टॉक कोलैप्स हुआ, और वो स्टॉक अब करीब करीब 5% नीचे। आज मैं थोड़े से लूजर्स की पहले बात करूँगी, मिड कैप इंडेक्स रेड में है। सन TV, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय डिक्लाइन आ रही है। और BSE अभी भी करीब करीब 15% नीचे उस कट के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पर थोड़ा संभलने की कोशिश हुई थी जरूर एक बार BSE में, लेकिन अब 16% नीचे। जहाँ तक स्टॉक्स जो अपसाइड में वहाँ उनकी बात हो तो बलरामपुर चीनी, एम्फेसिस, नवीन फ्लोरीन, HPCL और इंडसइंड बैंक। हैशटैग आप जी हाँ, अनुज जाकले लिए ऊपरी लेवल से एक मेजर शेकआउट मार्केट में देखने को मिला है, और निफ्टी बैंक भी जो 300 पॉइंट ऊपर था सिर्फ 225 पॉइंट ऊपर है। चलिए, तो इस समय ट्रेड क्या तेजी, क्या मंदी, क्या दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। अमित सेठ रुचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रचना जी और राजेश सातपुते कंटिन्यू कर रहे हैं। अमित बताइए क्या ट्रेड रहेगा जी। गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, एक बुल स्लैश कैंडल भी बना हुआ है। यहाँ पे स्टॉकिंग लगभग 730-735 के आसपास एक ब्रेकआउट रिटेस्ट दिया, और अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबल स्ट्रेंथ से ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स अगर पहले ही घंटे में देखे तो काफी इंप्रेसिव है। 762 का लगभग इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 752 का, और टारगेट्स रहेंगे 782 के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है, दैट इज IOC। IOC एक बेस से काफी कंप्रेशन पैटर्न से बाहर आ रहा है, इट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी पैटर्न, जिसमें स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। लगभग 165 से 174 के जोन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने 174.65 का प्राइस है, 171 का स्टॉप लॉस, और टारगेट्स रहेंगे 182 के। ओके, तो ये इस समय ट्रेड हो गई आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज और IOC पर अमित जी की तरफ से। रचना जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? जी, मेरी इस टाइम की फ्रेश ट्रेड में एक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे मेटल्स में अच्छी मूवमेंट है और टाटा स्टील एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग दे रहा है। 168 के SL के साथ मई के फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए तो पहला टारगेट होना चाहिए 173 और उसके बाद 175, तो ये दो टारगेट के साथ लॉन्ग करेंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा मेरी तरफ से, दैट शुड बी मन्नापुरम। मन्नापुरम में भी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बनने जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे 197 के करीब है। अभी मूव में ऐसी पिकअप नहीं आई है, इसलिए रिस्क टू रिटर्न रेशियो बेटर है, प्राइसेस सपोर्ट से नजदीक है, तो यहाँ पे 195 का ही SL लगाएंगे। एक छोटे से SL के साथ अगर लॉन्ग करा जाए तो ऊपर वाली साइड पे 200 का इसका टारगेट होगा, उसके बाद 202। ओके, तो मनप्पुरम फाइनेंस में एक ट्रेड इस समय आपको रचना जी आइडेंटिफाई करके दे रही है। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी की साइड है। जो हम वो देख रहे हैं कि जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है उन्हीं में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सो एक तो PI इंडस्ट्रीज में बाइंग की सलाह है, जो रिसेंट करेक्शन भी आया था स्टॉक में। एक तो कोई वॉल्यूम बेस्ड करेक्शन नहीं था, 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके आज फिर से मोमेंटम का रिज्यूम स्टॉक में हुआ है। तो PI इंडस्ट्रीज करंट लेवल्स पे बाय करें, 3740 के स्टॉप लॉस रख के 4000 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और OMCs सभी के सभी, तीनों की तीनों OMCs एक ब्रेकआउट के वर्ज पर है रीसेंट कंसोलिडेशन से। तो यहाँ पे BPCL में खरीदारी की सलाह रहेगी, 600 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें 640 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
ओके, मीनवाइल वो एचपीसीएल का जो ट्रेड था सचिन का शानदार रहा, अब डे हाई पर एचपीसीएल इस समय, और 506 वो 500 वाली कॉल जो होती है आई थिंक टारगेट के अब काफ़ी करीब पहुंच गई है वो। आई थिंक एक बार अगर वो कॉल फायर कर दे 500 रुपए वाली तो वो अच्छा मोमेंटम। वो 4 का चौका में ट्रेड ली थी हमने 940 पर, ये देखिए 29 रुपए पर, आई थिंक उनके टारगेट के अब काफ़ी करीब है। 21 रुपए पर सजेस्ट की गई थी वो, 26 अब 29 रुपए, और टारगेट कितना था इनका एक बार जरा वो अगर फायर कर दें वो तो आई थिंक 32 रुपए के करीब टारगेट था, 32 रुपए टारगेट था, तो वो अब ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में पहुंच चुकी है। चलिए आई थिंक राजेश जी की ट्रेड्स बाकी हैं। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय के। अनुज जी देखिए, नज़र मेरी फार्मा पे है और उसमें से एक लुपिन के बाद औरबिंदो फार्मा, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, 1130 का स्टॉप लॉस होगा और 1180 तक का टारगेट होगा। एट द सेम टाइम देखिए ओएमसी अच्छे थे लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट तीनों कवर हुए, बीपी एचपी एंड आईओसी, तो मैं देखिए अपोलो टायर के साथ जाना चाहूंगा। अपोलो टायर का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़िया है। अपोलो टायर अगर आप बात करें तो 497 पे चल रहा है, 492 का एक स्टॉप लॉस होगा और एक स्विंग ट्रेडिंग का एक टारगेट होगा करीबन 510 का, तो इट्स अ बाय इन अपोलो टायर। ये तो अपोलो टायर में एक अपॉर्चुनिटी है और ऑरो फार्मा में भी एक मौका तेजी का बन रहा है। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उसमें मेटल्स का जिक्र हुआ था, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को जैसे ट्रेड्स यहाँ पर माए जानकारों ने मार्केट ओपनिंग के बाद सुझाए थे। एक बार टाटा स्टील स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 2.25% की तेजी यहाँ पर, 169 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अमित, यहाँ क्या और खरीदारी जोर पकड़ेगी? इनफैक्ट टाटा स्टील ही नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी अब थोड़ी सी चाल बेहतर हो रही है। जी मैम, अगर दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो जीएसडब्ल्यू एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, 905 के ऊपर चले तो बहुत ज्यादा इसमें तेजी आ जाएगी, लेकिन दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज करना पड़े तो मैं टाटा स्टील को ही चूज करूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न अपने 10 और 20 डेमा पे बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है, 169-160 के लगभग प्राइस है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है रेशियो चार्ट्स पे भी, तो यहाँ पे मुझे 175 से 180 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, स्टॉप लॉस पोजिशनली रखूंगा 164 का। ओके, चलिए तो ये इस समय टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील पर। हमारे गेस्ट रेडी हैं क्या आप? ओके, चलिए अब कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले नीलेश जी शब्दों के बेहद सरल हैं लेकिन उनके मतलब बहुत गहरे होते हैं, तो आइए उनसे समझते हैं। और नीलेश जी के साथ एक चीज़ है, वो इक्विटी डेट दोनों मार्केट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रखते हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई अब क्या करना है मार्केट में, क्योंकि एक क्लियर कट जो अप्रोच रही है मार्केट में पिछले कई महीनों से कि किसी भी डिप में अगर आपने बाय किया तो बड़ा पैसा बनाए, क्या वो अप्रोच अभी भी कंटिन्यू करें? सो अनुज भाई, आजकल मार्केट और आईपीएल में काफी समानता दिख रही है, जैसे मार्केट में बुल्स का जो नो हावी होना अच्छा लग रहा है वैसे ही आईपीएल में बैट्समैन का हावी होना दिख रहा है, चाहे अभिषेक शर्मा हो चाहे ट्रैविस हेड हो, वो एक बॉल पे दो दो रन बना रहे हैं, लेकिन कभी कभार संदीप शर्मा जैसा बॉलर 5 विकेट ले लेता है, बुमराह जैसा बॉलर रन कम देता है, तो अपनी मार्केट में जनरली बैट्समैन हावी रहेंगे, बुल्स अच्छा करता रहेंगे, लेकिन कभी कभार बुमराह या संदीप शर्मा जैसे बॉलर या इवेंट आके एक बार मार्केट में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो मैच तो बैट्समैन ही जिताएंगे बट बीच बीच में बॉलर आके परेशानी खड़ी करते रहेंगे। तो इन बॉलर्स को सपोर्ट कहां से मिलेगा नीलेश भाई, क्योंकि मार्केट में इस समय डर शायद एक, अब पता नहीं वो डर सही है या नहीं है, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देख के लग रहा है डर तो मार्केट को अब सिर्फ एक इलेक्शन से लग रहा है कि कहीं मार्केट ने बहुत जल्दी ही अब की बार 400 पार तो नहीं बचा लिया था, और क्या इस पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन क्या ये इशू है आपके हिसाब से, या फिर अगर इसकी वजह से डिक्लाइन आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? सो मेरे हिसाब से अनुज भाई, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है। अभी क्रिस वुड, ग्रीड एंड फियर वाले ने भी लिखा कि मार्केट जियोपॉलिटिकल रिस्क को डिस्काउंट कर रहा है, तो एक खतरा वहां से आ सकता है, मिडिल ईस्ट में कहीं बबाल मच जाए तो उसकी इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे ग्लोबल मार्केट के जरिए भी पड़ सकती है। दूसरी चीज फेड है,
जितनी स्पिन यू नो कोई अच्छा स्पिनर कर सकता है उससे कहीं ज्यादा टर्न फेड ले रहे हैं, कभी हायर फॉर लॉन्गर कहते हैं, कभी इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है कहते हैं, कभी कहते हैं इस साल 3 रेट काटेंगे, कभी कहते हैं नहीं काटेंगे। तो फेड की गुगली भी मार्केट की विकेट में थोड़ी परेशानी कर सकता है। और तीसरी और फाइनल चीज जो है अनुज भाई वो ये है कि हम अच्छा कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं, बट बाकी जो दुनिया के मार्केट है वहां पे उन्होंने सेल्फ कोल किए हैं तो वो हमसे काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन का सेल्फ कोल किया तो हमसे 1/8 वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। चाइना रियल एस्टेट और ताइवान की उलझनों में फंसा है तो हमसे 1/3 डिस्काउंट पे चल रहा है। ब्राजील में कम्युनिस्ट सरकार है तो हमसे 1/2 डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर ये देश अपने सेल्फ कोल करना बंद कर दे और हमारी तरह अपनी इकोनॉमी सही तरीके से मैनेज करने लगे तो हो सकता है निवेशकों का अलोकेशन उस देशों में बढ़ जाए और हमारे यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हो। सो अलग अलग इवेंट की वजह से मार्केट में एक बाधा आ सकती है एंड मुझे लगता है इवेंट देख के हमें कॉल लेना चाहिए, जो करेक्शन है वो खरीदने की अपॉर्चुनिटी है या थोड़ी राहत देख के लेना चाहिए। ओवरऑल जैसा मैंने कहा बैट्समैन या बुल्स मार्केट में अल्टीमेटली विक्ट्री पाएंगे। अब इस विक्ट्री गाथा में अर्निंग्स की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है नीलेश जी, और सबसे बड़ा वेटेज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स का ही रहता है, और हमने दिग्गज बैंकों में ICICI, एक्सिस, HDFC के नतीजे देख लिए। अब सबकी नजरें ऑफ कोर्स रहेंगी कि PSU बैंक क्या लेकर आएंगे, क्योंकि एक लोअर क्रेडिट कॉस्ट का फायदा शायद उनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो पहले तो निजी बैंकों के नंबर्स को आप कैसे रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ सरकारी बैंक क्या इनसे बेहतर कर पाने की क्षमता रखते हैं इस क्वार्टर में या नहीं? सो एक अगर ब्रॉड ट्रेंड देखा जाए तो लिक्विडिटी मार्च क्वार्टर में थोड़ी तंग रही, शॉर्ट टर्म रेट्स थोड़े ऊपर रहे और फेड की रेट कट डिफरल की वजह से मार्केट यील्ड भी अप्रैल के महीने में थोड़ी ऊपर आ गई। तो ये सारी चीजों मिला के ये कहना मुनासिब होगा कि बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, और जो हाइस हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिसंबर 23 क्वार्टर में देखा था वो शायद मार्च 24 और जून 24 क्वार्टर में न देखने को मिले। उसके सामने एडवांटेज ये है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट चल रहा है, NPS का प्रेशर उतना नहीं बना है, बैलेंस शीट काफी क्लीन और फुल्ली प्रोवाइडेड है। तो मेरे हिसाब से एक समरी करें तो जनरली PSU बैंक्स जिनके डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अच्छी है उनके मार्जिन पे कम इम्पैक्ट आनी चाहिए, उनके नतीजे जनरली मार्केट की धारणा से अच्छे या अनुसार आने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मोर बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, कुछ बैंक के नंबर अपेक्षा के अनुसार आए या उससे भी अच्छे आए, कुछ बैंक में डिसअपॉइंटमेंट मिली। बट मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में अब ओनरशिप अंडर ओनरशिप की तरफ जा रही है, और जिस बैंक को कैपिटल रेज की जरूरत नहीं है, जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अच्छी है, वह शायद यहां से मार्केट को आउट परफॉर्म करना चालू करते। ओके, साथ ही साथ क्योंकि हम US में इंटरेस्ट रेट्स पर चर्चा कर भी रहे थे, अब देखते हैं इवेंचुअली वहां पर जून में क्या निकल कर आएगा, इस वीक शायद ही कुछ एक्शन लिया जाए, मोस्टली डायरेक्शन पर ही फोकस रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर वो इंटरेस्ट रेट्स का घटना थोड़ा सा और डीले हो गया है, या IT कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी ने अभी भी यही कहा है कि कॉन्फिडेंस इतना उभर कर नहीं आ रहा है कि टर्न अराउंड देखने को मिलेगा या फिर विजिबिलिटी शायद बेहतर होती दिखाई दे, क्या इन लेवल्स पर हाल के करेक्शन में फिर खरीदारी करना शुरू करें टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व? सो IT क्षेत्र में मैनेजमेंट है वह और निवेशक है वह, दोनों दूध के जले छांस भी फूक फूक के पिए वैसा बर्ताव कर रहे हैं। मैनेजमेंट देख रहे हैं कि इस वक्त सेल्स के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, सेल्स साइकिल लंबी हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से
इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये सारी चीजों को मिला के मैनेजमेंट उतनी स्ट्रॉन्गली गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशंस हैं। निवेशकों का देखे तो उन्होंने आईटी क्षेत्र में जो निवेश करके रखा है वह काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों बाजू से एक कॉशियसनेस है। हमारे हिसाब से उन कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ता, अच्छा और बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे वह शायद इस राउंड के विनर होंगे। सेल्स साइकिल लंबी हुई है तो आज नहीं तो कल सेल्स ऑर्डर में बंचिंग अप भी होगी। पिछले साल आईटी इंडस्ट्री ने तकरीबन 65,000 से 70,000 लोगों को रिप्लेस नहीं किया, बट इस साल उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेटर्स तो दिए हैं। अगर ये अपॉइंटमेंट लेटर्स वाले लोग सब नौकरी पर लग जाए तो प्रोबेबली एक सिग्नल है कि अब आईटी क्षेत्र को वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। अगर उनको खाली लेटर मिला और नौकरी नहीं मिली और उनको लटकाते रहे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो एक रिक्रूटमेंट कैसे चल रही है, लेटर अपॉइंटमेंट में और एक्चुअल वर्क में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो एक साइन है जिसे देख के आप कॉल ले सकते हैं कि अब आईटी क्षेत्र में निवेश करने के योग्य है या नहीं। मुझे लगता है आने वाले 3-6 महीनों में आईटी क्षेत्र की बॉटम बननी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, सबसे ज्यादा पैसा पिछले 2 साल में बना है पीएसयूज में, क्योंकि मार्केट ने एक शायद एक अलग रवैया अपनाया पीएसयूज को लेकर, और सिर्फ ये स्टॉक्स पीएसयूज थे इसके लिए जो वैल्यूएशन डिस्काउंट था वो काफी हद तक ट्रिम हुआ है। कुछ सेक्टर्स को छोड़ देने से पीएसयू बैंक, तो अब वो डिस्काउंट शायद रहा नहीं, लेकिन क्या अभी भी पीएसयूज में पैसा बनेगा या फिर अभी कुछ टाइम के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो बड़ी जो क्रीम थी वो निकल चुकी है? So, अनुज भाई, जो एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी थी पीएसयू की, वो शायद अब शॉर्ट टर्म के लिए निकल चुकी है, बिकॉज पहले बहुत सस्ते थे, अब मार्केट वैल्यूएशन के आसपास है। बट पीएसयू में आप तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पीएसयू वह है जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, 4% फ्लोटिंग स्टॉक, 7% फ्लोटिंग स्टॉक, 11% फ्लोटिंग स्टॉक, 15% फ्लोटिंग स्टॉक। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वह बहुत कम फ्लोटिंग स्टॉक, बहुत कम ट्रेडिंग पे हो रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि वह अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां पे नया निवेश नहीं करना चाहिए, वहां पे नए सप्लाई की राह देखना चाहिए। अगर आप उस कंपनी के ऊपर बुलिश हो तो शायद लेने का अच्छा मौका नए सप्लाई में मिल जाएगा। ये सारे पीएसयू को 25% मिनिमम फ्लोट लाना है। जिस दिन ये सप्लाई मार्केट में आएगा शायद इन काउंटर्स में आज के दाम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे पीएसयू है जहां पे बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में आज भाव चल रहे हैं। एक पीएसयू था जिसका सैलरीज एंड वेजेस बिल पिछले क्वार्टर का सेल से ज्यादा था, लेकिन उम्मीद है कि यह पीएसयू नए ऑर्डर्स प्राप्त करेगा, अच्छा वॉल्यूम आएगा, अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पे थोड़ी कॉशियसनेस की जरूरत है। यस, इनके फ्यूचर अच्छे है, उसमें कोई दो राह नहीं है, बट उस अच्छे फ्यूचर के लिए आप कितनी प्राइस देना चाहेंगे, और ये फ्यूचर आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उसे देख के आप निवेश करिए। तीसरे जो पीएसयू है उसके पास कुछ ना कुछ मोनोपोली, ओलिगोपोली जैसा यू नो एक एडवांटेज है, चाहे माइंस हो, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे एक स्केल हो। इन पीएसयू में आज का प्रेजेंट भी अच्छा है और कल का फ्यूचर भी अच्छा है, और वैल्यूएशन रीरेट जरूर हो गए हैं। सो यहाँ से मल्टी बैगर नहीं बनेंगे बट कंपाउंडिंग अभी भी कर पाएंगे। तो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट कर दीजिए, और इस प्रकार के पीएसयू में जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक रीजनेबल है, जहाँ पे कमर्शियल वायबिलिटी दिख रही है और ग्रोथ आने की भी काफी उम्मीद बरकरार है, इस प्रकार के पीएसयू में आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा मीन भाई, एक बार जरा मार्केट लेकर आइए वापस, एक अच्छा मोमेंटम इस समय 90 पॉइंट निफ्टी ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 450 पॉइंट ऊपर, और अब सभी बैंकों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय डे हाई पर,
और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। खैर इस सेक्टर की मैंने बात कर ली, लेकिन एक्सिस बैंक देखिए और नंबर्स के बाद से लगातार एक स्टॉक है जहाँ पर एक री रेटिंग कंटिन्यू हो रही है। अच्छा नीलेश भाई, एक स्पेस जहाँ पैसा बनना शुरू हुआ है वो है आप जिस स्पेस को कैटर करते हैं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेस, मार्केट इंटरमीडियरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, एक्सचेंजेस, डीमैट कंपनियाँ, ब्रोकर्स, AMCs, सब में बड़ी रैली आई है। ये ऑब्वियसली एक इंडिया की एक्विटी कल्ट को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर अगले 5-6 साल के लिए कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के मौके हैं? So, अनुज भाई आपने बहुत सही सवाल पूछा, अगले 5 साल के लिए। उसका आंसर काफी इजी है कि हाँ, इस क्षेत्र में पैसा बनेगा। धीरे धीरे हमारे देश में लोग सेवर से जो डिपॉजिटर बन रहे थे वह आज सेवर से इन्वेस्टर बन रहे हैं। जाहिर है कि इस वजह से उन्हें डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये अलग अलग प्रकार की कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, उसका बिजनेस और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से जैसे हम म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अपने यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सेम चीज एक्सचेंज के ऊपर, डिपॉजिटरी के ऊपर भी आज नहीं तो कल लगेगी। तो इस क्षेत्र में जब आप निवेश करें तो 5 साल का व्यू लेके जरूर निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जब उन्हें अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट यूनिट होल्डर्स या कंज्यूमर के साथ शेयर करना पड़े तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा जितना शायद आज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की भी इन क्षेत्र पे असर पड़ेगी। तो 5 साल का व्यू लेके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जरूर से निवेश कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज जो एक सेवर को डिपॉजिटर से इन्वेस्टर की राह पे चला रहे हैं वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। नीलेश जी, मैं आपकी राय एक ये कमोडिटी साइकिल पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले पूरे महीने हमने देखा है वो मेटल्स के दामों में लगातार इजाफा ही देखने को मिला, जो क्लियरली कुछ कंपनियों के लिए बेहतर साबित हुए लेकिन कुछ के लिए आगे मार्जिन्स के तौर पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इस सिक्लिकलिटी में क्या अभी भी निवेशकों के हाथ में और पैसे बनाने के मौके मिलेंगे? एक मेटल की साइकिल समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एंड इस बार एक तरफ आप देखें तो ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ मेटल के दाम बढ़ रहे हैं। यह स्पेक्यूलेशन है, डिमांड सप्लाई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बट एक बात तय है, अगर मेटल के दाम इतने ऊपर रहे तो ग्लोबल ग्रोथ जो थोड़ी वीक है वह और भी वीक हो जाएगी और मेटल डिमांड के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आएगी। तो हमारा मानना यह है कि इस वक्त मेटल क्षेत्र में जिस प्रकार के कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, चाहे कॉपर हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का समय है। साइकिल कब टर्न होगी किसी को पता नहीं है, बट इस लेवल पे मेटल प्राइसेस को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लगता है लुकिंग एट द ग्लोबल ग्रोथ। यहाँ पर एक और चीज़ नीलेश जी जो हमने रीसेंट पास में देखी है वो हैवीज वर्सेस मिड कैप्स, और उस पर हमने खूब चर्चा पहले भी की है। यहाँ से अगले मूव के लिए आपको क्या लग रहा है, दिग्गजों में ही सबसे ज़्यादा वो पोटेंशियल अभी भी दिखाई दे रहा है अर्निंग्स के लिहाज से हो या फिर बाकी के जो ट्रिगर पॉइंट्स हो, ये साल दिग्गजों के नाम ही है अब तक? तीन क्षेत्र जिसे हम देखे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, वह है आईटी, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स। इन तीन क्षेत्र में ज्यादातर दिग्गज कंपनियां हैं और उनकी वैल्यूएशन डीरेट हुई है, उनकी इन्वेस्टर्स ने जनरली खरीदारी नहीं की है, प्रॉफिट बुक किया है या वहां पे नए पैसे नहीं लगाए हैं। अब अगर मॉनसून अच्छा होता है तो हो सकता है एफएमसीजी कंपनी को फायदा हो, अगर लिक्विडिटी अच्छी रहती है और ब्याज के दरों में कटौती होती है तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स को भी फायदा हो, और अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है आईटी क्षेत्र में तो आईटी क्षेत्र को भी फायदा होगा। ये तीनों सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस होने की वजह से वैल्यूएशन अब आपकी फेवर में है,
और ट्रिगर है मॉनसून के वॉल्यूम ग्रोथ के या रेट कट्स एंड लिक्विडिटी के जो इन क्षेत्र को सहारा दे सकते हैं। यह आज नहीं होगा वो सर्टेन है, बट आने वाले 6-9 महीनों में शायद इसमें से कोई ना कोई घटना घटित हो जाए। अगर ये होगा तो ये 3 सेक्टर चलेंगे और उनमें दिग्गज कंपनी का चलना स्वाभाविक है। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि लार्ज कैप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज अब सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप में आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और माइक्रो कैप और एसएमई में प्रॉफिट बुक करने का समय है। आपका व्यू कंसिस्टेंट रहा है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया और एक ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक 18,000 करोड़ के एफपीओ पर 1,25,000 करोड़ की बोलियाँ, ये क्या बता रहा है आपको? क्या ये एक सेक्टर में कॉन्फिडेंस है कि जो इतना बड़े सिर्फ एक होप ट्रेड पर लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, या फिर ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक कॉन्फिडेंस है, और इस स्पेस में अब आपका क्या व्यू है? सो अनुज भाई, इंडिया में आप जो भी कहे उसका ऑपोजिट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस ट्रेड में कई लोग आए हैं जो टेलीकॉम क्षेत्र पे बुलिश है, उन्हें लगता है इलेक्शन के बाद टेलीकॉम आरपूस में अपवर्ड रिविजन होगा एंड उस वजह से टेलीकॉम कंपनीज को फायदा होगा। कुछ लोगों ने कंपनी स्पेसिफिक कॉल लिया है कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से उन्हारी उनकी सेकेंड इनिंग चालू होगी एंड सरकार भी कह रही है कि हमें भारत में ड्यूओपोली नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 कंपनीज चाहिए टेलीकॉम क्षेत्र में। तो हो सकता है कोई ना कोई कंसेशन मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होगा जो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि भाई ये 10 रुपए का स्टॉक है, चलो निवेश कर देते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग व्यू से इस कंपनी में आए हैं। मैं आशा रखता हूं कि समझदार लोग ज्यादा आए होंगे, मोमेंटम चेजर्स कम आए होंगे। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। धन्यवाद। चलिए मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बाजार में मोमेंटम अब निफ्टी बैंक की बदौलत, लगभग 490 अंकों का इजाफा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पूरी तेजी यहां पर बन रही है और निफ्टी भी इस बीच फिर 22,500 के पार निकल पाने में कामयाब रहा है। इस बीच आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेटवर्क 18 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, उसका एक और अंश सुना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने CAA और आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो आर्टिकल 370 हटाने का वो ऐलान करें। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, CAA को लेके आए, मगर अपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है CAA को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना जी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है, ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी, वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है, ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले
कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो सबसे पहले नेटवर्क 18 को ही इन्होंने दिया है, ये आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आज शाम 9 बजे सीएनबीसी आवाज और बाकी नेटवर्क 18 के न्यूज चैनल्स पर भी। चलिए इस बीच भारतीय बाजारों में फिर तेजी का मौका, 100 पॉइंट का इजाफा और स्टेडी है इस समय। वो सुबह या फिर इनिशियल मुनाफा वसूली जो देखने को मिली उससे रिकवर होकर निफ्टी तो पॉजिटिव टेरिटरी में, अब लगभग 500 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में जैसे हम जिक्र कर रहे थे, और मिड कैप जो ऊपर से नीचे फिसले थे वो भी कोशिश कर रहे हैं फिर हरे निशान के साथ करें ट्रेड। आज जो तेजी बनी है वो निजी बैंकों के बदौलत ही बन रही है। चलिए इस बीच आपके सवालों का जवाब देने के लिए अब नीरज जी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ गए हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और सवालों जवाब देंगे। और स्विच मार्केट में स्ट्रांग है, मिड कैप भी अब ग्रीन में आ ही चुका है। चलिए हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।